जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी का व्यक्तित्व जितना ओजस्वी था, उनका कृतित्व उतना ही बहुआयामी। गरीबों, पिछड़ों और कमजोर वर्ग के लिए वह मातृतुल्य थी, इंदिरा अम्मा। वह सच्चे अर्थों में एक महान देशभक्त और सशक्त राष्ट्रवादी थी। 1971 के युद्ध में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो विपक्ष के नेताओं समेत देश की जनता भी उन्हें माँ दुर्गा कह संबोधित करने लगी। इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध के दौरान अभूतपूर्व साहस और निडरता का परिचय दिया था। अमेरिका के जबरदस्त दबाव के बावजूद उन्होंने झुकने से इंकार कर दिया। वह दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादों वाली नेता थी जो अपनी अंतिम सांस तक राष्ट्र के प्रति समर्पित रही। अपने आदर्शों और सिद्धांतों से इंदिरा जी ने कभी समझौता नहीं किया और अंत तक धर्म निरपेक्षता, सामाजिक समरसता, समानता और समाजवाद के प्रति वह प्रतिबद्ध रहीं। देश की महानतम नेताओं में से एक इंदिरा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बलिदान दिवस पर भारत रत्न इंदिरा गांधी को शत शत नमन।